हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर सहेलियाँ। मैं प्रीति पटेल आज आपको मिक्स पंजाबी वेजिटेबल सब्जी बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमने लिया है ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिलीज, फ्रेंच बीन्स कटा हुआ, टोमेटोज, कॉलीफ्लावर जिसको फूल गोभी भी कहते हैं, कैप्सिकम, कैरट, ओनियन एंड ग्रीन पीस। ये हमने कैश्यू और मगजतरी का जो बीज रहता है उसका हमने पाउडर बना लिया है। तो सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे। तो तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। नाउ विल ऐड ग्रीन चिली, इसको थोड़ा अच्छे से भूनेंगे। अब हम डालेंगे ओनियन, ओनियन को थोड़ा सौते कर भूनने देंगे। अब हम डालेंगे फ्रेंच बीन्स, क्योंकि फ्रेंच बीन्स भी पकना चाहिए। देन विल ऐड कॉलीफ्लावर, अब हम थोड़ा ग्रीन पीस डाल देंगे। नाउ विल ऐड कैरट, कैप्सिकम को हम लास्ट में डालेंगे, थोड़ा ये और वेजिटेबल्स पकने के बाद। इसको अच्छे से पकने देंगे, इसको ढकना नहीं है। थोड़ी देर में इसे पक जाएगा। अब हम टमाटर डालेंगे ताकि टमाटर का थोड़ा जूस निकले, तो वो पानी से ये सब सब्जी हमारी पक जाएगी। इसके ऐसे ही पकने देंगे। अब इसके हिस्से का हम नमक डाल देंगे, थोड़ी हल्दी भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे कैप्सिकम, तो ये हमारी सब्जी सब पक गई है। अब हम उसमें डालेंगे पनीर चिली मसाला। करीबन 1.5 स्पून डाला है। विल ऑल्सो एड ये कैशी और मगजतरी का जो पाउडर हमने बनाया था वो, ये डालो या थोड़ा पानी करके पेस्ट करके डालो चलता है। Thank you.
काजू की पेस्ट से ग्रेवी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हम अब डालेंगे थोड़ा कर्ड, करीबन एक कटोरी जितना। Now add little water. Salt to taste. तरकारी का सॉल्ट हमने डाला था, अब हमें थोड़ा ग्रेवी का ही डालना है। तो इसका लस्टर कितना अच्छा आया है देखो। लास्ट में हम इसको इसमें डालेंगे क्रीम। ये मेरे जो यहाँ पैकेट मिलता है दूध का, उसका क्रीम है, घर का ही है, इट्स नॉट रेडीमेड। तो फ्रेंड्स, हमारी ये पंजाबी मिक्स वेजिटेबल ग्रेवी वाली सब्जी रेडी है। आपको अगर कोरिएंडर से गार्निश करना है तो आप कर सकते हो। सो नाउ विल सर्व इट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पंजाबी मिक्स वेजिटेबल रेसिपी रेडी है। अपने घर में ज़रूर बनाएं, विंटर में बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हर टाइप की सब्जी उनके पेट में जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।